वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो आज हम मनाएंगे 75th इंडिपेंडेंस डे। तो उसी की खुशी में आज मैं क्या करने वाली हूँ, जो कही सुनी के एपिसोड है और बातों का सिलसिला, उन दोनों का मिक्सचर करके आज हम ये एपिसोड बनाएंगे। तो दोनों आपको एक ही एपिसोड में मिलेंगे, यानी कि 2 in 1। ठीक है, तो आप सबको तो पता ही था मैं NCC में थी, अभी सी सर्टिफिकेट हो गया, तो अब एक्स NCC कैडेट हो चुके हैं। तो 5 साल का सफ़र था, एक बार भी छोड़ा नहीं मौका कि परेड ग्राउंड में यूनिफॉर्म पहन के ना गए हों। तो जो जहाँ से मैंने ए सर्टिफिकेट किया है उसमें क्या था कि हमारे ना कॉलोनी में एक नेहरू मैदान था, तो आसाम की बात है, बारिश तो पक्की बात है, ऐसा हो सकता है कि ना आए। तो वो पक्की बात होती थी कि 15 अगस्त के पास वो मैदान में पानी पानी ज़रूर होना है। हाँ, माना कि इंस्टाग्राम में आजकल ट्रेंड चला है, ठीक है, कि मैं पानी पानी हो गई, पर वो मैदान पानी पानी होता था। तो हम उसमें परेड कैसे करते थे, जहाँ पे परेड करनी होती थी ताकि हमारे यूनिफॉर्म ख़राब ना हुए, वो पानी में छई छपाक छई ना होए, तो हमारे लिए ना वहाँ प्लाई लगाई जाती थी। पहले एक मतलब शीट बिछाई जाती थी प्लास्टिक की, और उसके ऊपर ना वुड की प्लाई लगाई जाती थी, और हम उसके ऊपर परेड करते थे। इमेजिन, अगर मैं यहाँ कैडेट्स को बोलूँ ये काम करने के लिए, वे लोग बोलेंगे सर आप हमें कहाँ क्या करवा रहे हो। अब हम यहाँ आए, यहाँ की 15 अगस्त के तो किससे ही अलग हैं। तो मस्ती तो बोरी करिए परेड ग्राउंड में यहाँ पे। तो आखिरी जो इंडिपेंडेंस डे था मेरा परेड ग्राउंड पे, उसमें हालत बेहाल हो गई थी। मैं मतलब कैंप से वापस आई थी, फिर इंडिपेंडेंस डे हुआ, तो कैंप से जो चेहरे की टैनिंग थी वो तो थी, तो उसके बाद इंडिपेंडेंस डे की तैयारी में और टैनिंग हो गई थी। तो बेसिकली शक्ल की हालत ये हो गई थी, जैसे आप लोग बॉइल्ड आलू के छिलके को निकालते हो ना, तो वैसे मेरी स्किन ऐसे ऐसे करके छिलके की जैसे निकल रही थी धूप में जाने से। तो वही चेहरा लेके मैं गई, मैं फ़ोटो अटैच करूँगी यहाँ पे, देखना कैसे हो गया था। मुझे खुद हंसी आती है वो फ़ोटोज़ देख, पर जोश कभी कम नहीं हुआ। तो कथक की क्लास थी, मैं गई, गुरुजी को मतलब नमस्ते वमस्ते जैसे करते हैं वो किया। गुरुजी बोलते बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, मैं ऐसे हाँ गुरुजी तबीयत एकदम सही है, कहते ये उबले हुए आलू के छिलके की जैसे क्यों आ रहे हैं। तो मैंने कहा बस जोश है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि रंग सांवला हो गया है तेरा, ऐसे क्या है। बट जो भी बोलो, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में जो जोश होता है यूनिफॉर्म पहन के जाने का, अलग ही फील होती है। क्या घर पे बैठ के आम लोग बैठ के एकदम टीवी देखते रहते हैं ऐसे, टीवी भी छोड़ो भाषण भी नहीं सुनते होंगे सुबह सुबह जो दिल्ली की साइड से आता है। हम तो तभी भी देखो जल्दी उठ के तिरंगे को लहराता हुआ देखते थे, मज़ा आता था। कि देखो अगर आप ऑडियंस की तरह जाते हैं, ठीक है, किसी भी परेड ग्राउंड में इन 2 दिवस पे, ठीक है, तो आपको झंडा लहराता हुआ या तो झंडे के पीछे से नज़र आता है, वो भी झांक के ऐसे देखना पड़ता है, या साइड में बैठ के साइड नज़र आता है। पर वी एज NCC कैडेट जो परेड ग्राउंड में होते थे, हमें सीधा सामने का दृश्य मिलता था, और वो भी पूरा ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ, तो वो फीलिंग ही अलग होती थी। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की। तो यहाँ से शुरू होता है बातों का सिलसिला, अभी तक कही सुनी थी। तो क्या आपको लगता है कि आज मतलब जो आज़ादी हमें हमारे शहीदों, जो हम हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे लोग, उन्होंने दिलाई, क्या हमें वो एक्चुअल में मिली? मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि बात जब मैं ये सोच रही थी आज ये ब्लॉग बनाने के पहले, तो मैंने बहुत सोच विचार किया कि क्या हमें आज़ादी मिली है। बट देन आई केम टू अ पॉइंट कि देखा जाए आज़ादी तो अभी भी नहीं है। यस, हम लोग को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई है, पर अगर आप आज भी कहीं जाएं तो उस पर कहीं ना कहीं रोक है, किसी ना किसी तरीके की रोक है। और आज़ादी में इक्वालिटी की भी बात होती है, क्या वो इक्वालिटी आपको मिली? किसी हद तक अभी भी समाज
फ्री नहीं हुआ है। अगर आज़ाद होते तो शायद मीडिया की खबरों में आज लाइन नहीं आती कि एक दलित लड़की के साथ ये हुआ या एक दलित के साथ ये हुआ। आखिर क्यों है ये भेदभाव? सोचिए, क्या एक स्वतंत्र भारत में कभी जितने भी हमारे थे जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी आज़ादी की, क्या उन्होंने कभी ये सोचा था कि आज़ाद भारत कुछ ऐसा होगा जिसमें एक व्यक्ति को ऐसी आज़ादी मिलेगी ही नहीं, उनको बस आज़ादी मिलेगी तो ब्रिटिशर्स से। बट अगर मैं आज देखूँ तो हाँ, टूरिज़्म अच्छा है, बट जिस तरह से भारत चल रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी टू से, इट नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बहुत सुधार की ज़रूरत है इस भारत को एक आज़ाद भारत बनने के लिए। नहीं पता कब तक आएगी। बहुत सुन लिया कि स्ट्रगल चल रहा है, पर कब तक चलेगा? क्या ये स्ट्रगल उसी दिन शुरू हो गया था जब झांसी की रानी के पहले से चल रहा है ये स्ट्रगल? क्या वो अभी तक चलता ही रहेगा? कभी इसका अंत नहीं होगा? अंत कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं, और हम कैसे करेंगे? देखा जाए तो युवा पीढ़ी भारत में सबसे ज़्यादा है। ये समय है जब युवा सारे इकट्ठा होकर एक अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे। बट अफसोस की बात है, थोड़ा समझ, ऐसे लोग मुझे बहुत ही कम मिले हैं जो इस विचारधारा के होते हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो कई हैं मेरे साथ के ही फ्रेंड्स हैं जिनको पार्टीज़ में ज़्यादा जाना का शौक है। यस, यू गो देयर, बट यू ऑल्सो हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ सिटीज़न। आप अगर एक देश के वासी हैं तो आपका कार्य बनता है कि आप उस देश को आगे लेके जाएं, उस देश को सुधार लेके आएं। बट व्हाट डू आई सी? आई सी पीपल गोइंग आउट टू अब्रॉड टू स्टडी। यस, मेरी दीदी भी गई हैं, उनको सब्जेक्ट यहाँ नहीं मिला। आखिर क्यों वो सब्जेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ खुल नहीं सकती? क्यों इंडिया इतने दूर है अभी तक? अगर इंडिया में सुधार होगा, उसका युवा यहीं रहेगा, और वो पक्की बात है। अभी इंडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है जैसा मेरे को लगता है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बता रही हूँ आज, एकदम सच्ची बात बता रही हूँ, ये मेरी फीलिंग्स हैं एंड आई कॉन्ट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम एक्सप्रेसिंग दैट। बट चलो देखिए कब तक ये होता है, कब तक सुधार आता है, कब तक भारत असल में आज़ाद कहलाता है। इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं आखिर स्वतंत्र दिवस को, आज 75 साल हो चुके हैं, काफ़ी हैं ये, और कई कुछ हद तक काफ़ी आगे भी बढ़ा है इन सालों में, बट अभी भी सुधार की ज़रूरत है। तो इसी के साथ शब्दों को यहाँ विराम देते हुए फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। धन्यवाद।